इंग्लिश आपके दरवाजे पर की ये 7th वीडियो है जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस से जुड़े जाएगा। जैसा कि नाम से जाहिर है कि कोई काम पास्ट में कंप्लीट हुआ था। इसकी पहचान के लिए हमें वाक्य की अंत में देखना होगा कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, दिए थे रहेंगे तो हमें पहचान लेना है कि ये पास्ट परफेक्ट से जुड़े हुए। जहां तक इसके नियम रूल्स का ताल्लुक है तो हम सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं और इससे पहले जितने भी उसमें हैज है वाज वर इज एम आर सब सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते थे। लेकिन एक इसमें इजी क्या है वो ये है कि सब्जेक्ट जो भी हो सभी के साथ हैड को लगना है। जैसे आई वी यू ही शी नेम दे इसके साथ हैड जोड़ेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म लाएंगे और ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो इस तरह इसके नियम को हम जान चुके हैं। तो हम चलते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर जिसको दो तरीके से हमें सोचना होगा कि अगर वाक्य में एक वर्ब है या फिर वाक्य दो वर्ब्स वाले हैं। तो एक वर्ब जो है उनको टिल बिफोर ऑलरेडी नेवर इस तरह के शब्द को प्रयोग करके आगे बढ़ाते हैं और दो वर्ब वाले में हम देखेंगे कि जो काम पहले समाप्त हुआ हो उसे पास्ट परफेक्ट में और जो काम बाद में समाप्त हुआ हो उसे पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं जिसका डिटेल इसमें देखना है। तो सबसे पहले वन वर्ब वाले की ओर चलते हैं। इसके रूल हैं सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसको देखने की करते हैं। मैं पहले ही अपना काम समाप्त कर चुका था। तो इसमें समाप्त कर चुका एक वर्ब आया बाकी दूसरे वर्ब नहीं है। तो इसको हम जो हमने देख चुके हैं रूल उसके हिसाब से बना देंगे आई हैड ऑलरेडी। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने पहले ही खाना बना लिया था। शी हैड ऑलरेडी कुक्ड द फूड। इसमें वर्ब जो मेन वर्ब वो एक ही। लेकिन अब हमें देखना है कि टू वर्ब्स वाले में दो काम दो क्रिया एक ही बार हो रही हो उसमें किसको पास्ट परफेक्ट के हिसाब से बनाना और किसको पास्ट इंडिफिनिट के हिसाब से हमें बनाना है देखना है। तो एक एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पहुंचने से पहले मैच प्रारंभ हो चुका था। द मैच हैड स्टार्टेड वेन देयर। मैच पहले प्रारंभ या स्टार्ट हुआ और पहुंचना बाद में हुआ। तो सबसे पहले जो वर्ब स्टार्ट वाले हैं पास्ट परफेक्ट में हमको लेना है और पहुंचना यानी रीच जो है वो दूसरा वर्ब हुआ तो उसे पास्ट इंडिफिनिट में चलना है। तो अब हमें तो ये हमें इसमें क्या समझ में आ रहा है कि जो काम पहले हुआ उसको पास्ट इंडिफिनिट में लेना यही बातें हमको याद रखनी है। जो बाद में हुआ उसको हमें पास्ट इंडिफिनिट में लेना है और दोनों एक ही वाक्य एक ही सेंटेंस में होना है। इसमें एक ही बात को बार बार ये कन्फ्यूजन होती है कि बहुत सारे तो हमने बना लिए। यहाँ पर आने के बाद जो मेन मुद्दा है उसको समझने से पहले हम थक हार के बैठ जाते हैं। चलिए अब और एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। हमारे वहां पहुंचने से पहले मैच प्रारंभ हो चुका था ये हम देख चुके हैं। जैसे द मैच हैड स्टार्टेड व्हेन वी रीच्ड देयर। और एक देखते हैं डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर चुका था। तो पहले कौन सा काम हुआ रोगी मर चुका था डॉक्टर आया ही नहीं है। तो हमको जो काम पहले हो चुका है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो अब देखिए डॉक्टर केम ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब पेशेंट हैड डाइड ये पास्ट परफेक्ट है। तो ये दोनों को कंबाइन हमें कैसे करना है इसको समझना है। और एक एग्जाम्पल की ओर चलते। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था।
तो बाद में कौन आया? तो पुलिस। चोर पहले भागा, तो थीफ हैड फ्लेड बिफोर द पुलिस केम। तो दो वर्ब हमारे पास है, फ्लेड और केम। तो एक को हमने पास्ट परफेक्ट में लेकर के गए और एक को पास्ट इंडिफिनिट में छोड़ दिया। अब इस तरह आप नेगेटिव सेंटेंस को देखने, दरवाजे पर टांगा आने से पहले हमने सामान नहीं बांधा। We had not packed the luggage before the tonga arrived. तो फिर देखिए, पैक एक है तो हैड लग गए, और अराइव ये दूसरा वर्ब है तो हमें उसी तरह से आगे बढ़ना। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, मेरी बहन कल शाम तक दिल्ली आई थी। My sister had not returned from Delhi last evening. क्या तुम्हारे दाखिल होने से पहले अध्यापक कई पाठ पढ़ा चुका। फिर देखिए, दो पाठ एक, तो इसको हम दाखिल होना एक है, एक है टॉट है। Had the teacher taught many before you got done? और एक एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हारे आने से पहले उसने कागजों पर हस्ताक्षर क्यों किए थे। Why had he signed the papers before? हमने बहुत ही अच्छे ढंग से पास्ट परफेक्ट को देखने की कोशिश। दोस्तों, अगर आपको इस चैनल से जुड़ी जानकारी अच्छी लगती हो, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के दर्शन करें। धन्यवाद। जय हिंद।